6वां मॉड्यूल का ये 16 मॉड्यूल आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग इस मॉड्यूल के 16वें मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे और आप सभी क्वेश्चन के आंसर दें। और लास्ट में देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और 10 में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे कि आपको सभी के सही सही उत्तर पता लग सकें। देखिए, सबसे पहले वाले का हमारा आंसर हो जाएगा 1986। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा 1986। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जिससे कि आपका टाइम भी बच जाए। शिक्षा का व्यावसायिक विकास -- और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है, और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आखिरी वाला आंसर जेनेटिक। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्र में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है, इस प्रकार से उसकी मदद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आखिरी वाला सभी। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से -- तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं, आंसर नंबर 2। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्य अनुभव को -- के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। वीडियो अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW के एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया -- जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं का, सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी हैं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला, मीन्स की मैनुअल। योग्यता एक -- और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकनीय, आंसर नंबर 3। इसके बाद रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, -- कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। तो इसका देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुकूलन क्षमता कौशल, पारस्परिक कौशल, विचार कौशल और उद्यमिता कौशल। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यमिता कौशल। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और -- कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो इसका 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, उत्पादक, प्रायोगिक, बुनियादी और मौलिक। इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला आपका उत्पादक। इसके बाद देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने से पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी -- व्यवसाय के लिए 4 ऑप्शन इसमें है, सैद्धांतिक, पारंपरिक, नैदानिक और व्यावहारिक। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका आखिरी वाला, व्यावहारिक। अब देखिए, हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन, आप यहाँ पर जरूर देखिए कि आपने टोटल क्वेश्चन कितने हैं 10 और आपने कितने क्वेश्चन के आंसर किए। तो हमने 10 में 10 के आंसर किए। अब देखिए हमारे कितने सही होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा ये देखने के लिए, तो सबमिट आप कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हमारा योर स्कोर इज 10/10। हमने यहाँ पर पूरे क्वेश्चन सही किए, इसलिए 10 में 10 मिले। इसलिए अगर हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और शिक्षकों को भी ये जानकारी पता लग सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।